नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंकर सिन्हा, आयुर्वेद चिकित्सक, मालाड मुंबई से हूँ। अभी सर्दी की सीजन शुरू हो रही है और कमोबेश पूरे साल लोग साइनस, सर्दी, खांसी, धूल भरी जिंदगी में जी रहे हैं। नमकीन समुंदर के किनारे लोग बसे हुए शहर में हैं, उनको ये सब चीज़ें पकड़ती है, सांस की बीमारी पकड़ती है, एलर्जी होती है, खांसी होते ही रहते हैं, दमा की बीमारी पकड़ लेती है। उसके लिए घरेलू उपचार और एक अच्छी दवा मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे। अदरक लें 50 ग्राम, हल्दी लें 50 ग्राम, नमक लें 50 ग्राम, तुलसी का पत्ता लें 50 ग्राम, एक श्रृंगहार होती है पारिजात का पौधा, उसका पत्ता ले लें आप गिनती के 50, काली मिर्च ले लें 50, इन सबको एक साथ पानी में उबाल लें। 1 लीटर पानी का 300 ग्राम 400 ग्राम पानी बनाएं, आधा लीटर से कम, और उसको एक कांच की बोतल में छान करके आप रख लें। महीनों तक ये चलता रहेगा, ये नुकसान नहीं होता, ख़राब नहीं होता। 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम आप इसको पी सकते हैं, और पीने के बाद 40 घंटे के बाद, सॉरी 40 घंटे के अंदर अंदर आपको इससे फायदा हो जाएगा। ज़्यादा पुराना अगर सांस की बीमारी है, कफ की बीमारी है, तो आप इसको हफ्ते भर आप ले सकते हैं। बाकी के जो बचा हुआ है वो आप रख लें, जब जरूरत होगा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर क्या क्या लेना है वो फिर से बताएंगे। अदरक 50 ग्राम, हल्दी का पाउडर 50 ग्राम, नमक 50 ग्राम, काली मिर्च 50 गिनती का, तुलसी का पत्ता 50 ग्राम, पानी 1 लीटर, श्रृंगहार पारिजात जिसको कहते हैं उसका पत्ता 50, 50 नहीं आप 20 भी ले सकते हैं, और इसके बाद इसको उबाल लें, उबालने के बाद छान लें, छानने के बाद इसको पी सकते हैं। अदरक हुआ, हल्दी हुआ, तुलसी का पत्ता हुआ, काली मिर्च हुआ, नमक हुआ, पानी हुआ, श्रृंगहार का पत्ता हुआ, ये 7 चीज़ें हैं। ये 7 चीज़ों को इकट्ठा करके आप उबाल लें, और उबालने के बाद आप उसको पी सकते हैं, और पीने के बाद आपकी बीमारियाँ, थकान, हरारत, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। मेन कौन कौन सी बीमारी दूर होगी? सांस से संबंधित, कफ से संबंधित, और साइनस जिसको कहते हैं, यह तीनों इससे निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, आप लाभ उठा सकते हैं इसका। धन्यवाद।